हेलो स्टूडेंट आई एम सतवीर सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर वर्किंग विथ टेबल्स फॉर क्लास सिक्स आज की क्लास में हमें ये लर्न करना है कि हम एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे यूज करेंगे टेबल की मीनिंग क्या है हम टेबल को कैसे इंक्लूड करते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने टेबल को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और अगर हमें अपने टेबल को मूव करना हो या रिसाइज करना हो तो ये किस तरीके से पॉसिबल है इसके क्या क्या स्टेप्स हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विथ आवर थर्ड चैप्टर वर्किंग विथ टेबल्स टिच ए टेबल ए टेबल इज़ ए ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन हॉर्जेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स वी कैन यूज ए टेबल टू प्रजेंट टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल डाटा

अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं के लिए हम एम एस वर्ड में टेबल ऑप्शन यूज करते हैं और हम चाहें तो इसमें इमेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो और मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो एक बार इस इमेज को देख लेते हैं यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं वर्टिकल जिसमें हेडिंग्स दी हुई हैं जैसे सीरियल नंबर नेम एड्रेस और ये हमारे रो हैं जिसमें हम कंटेंट ऐड करते हैं जैसे सीरियल नंबर वन टू थ्री नेम में साहिल मयंक तो इस तरीके से और ये जो हमारा पूरा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसको हम कहते हैं सेल टेबल क्या है टेबल में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं और जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक इंडिविजुअल सेल्स है द टॉप रो ऑफ हैडर इज जनरली कॉल्ड द हैडर रो बिकॉज इट कंटेंस ऑल द कॉलम हैडिंग और जो हमारा फर्स्ट रो होता है उसको हम हैडर रो बोलते हैं यानी कि उसमें जो भी हेडिंग्स होती हैं हमारे टेबल की हम उसमें इंक्लूड करते हैं इसलिए उसको हम बोलते हैं हैंडर रो टेबल का अगर हमसे कोई पूछता है साइज क्या है तो हम कहेंगे थ्री क्रॉस फोर मीन्स इसमें तीन कॉलम हैं और चार रो हैं नेक्स्ट हेडिंग इंसर्टिंग ए टेबल यानी कि अगर हम एम एस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट करने का क्या तरीका है इंसर्टिंग टेबल यूजिंग द टेबल ग्रिड तो हमारा जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो क्या है टेबल ग्रिड के थ्रू ऐड करना टेबल को तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेबल सबसे पहले हम अपने कर्सर को उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब पे जाएंगे देन क्लिक ऑन द टेबल कमांड बटन इन द टेबल्स ग्रुप फिर टेबल ग्रुप पे जाएंगे टेबल्स ग्रुप में से टेबल कमांड को सेलेक्ट करेंगे होवर द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल ग्रिड टू हाईलाइट एज मैनी रोज एंड कॉलम्स यू वॉन्ट इन द टेबल और इसके बाद माउस पॉइंटर को टेबल ग्रिड के ऊपर लेके जाएंगे और साथ में हम को हाईलाइट करना होगा कि हम कितने रो और कॉलम को अपने टेबल में ऐड करना चाहते हैं देन क्लिक द माउस फिर माउस से क्लिक करेंगे द टेबल विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में एम एस वर्ड की फाइल में टेबल जो है उस कर्सरत पोजिशन पर ऐड हो जाएगा इस इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक किया है और उसके बाद हमने टेबल ऑप्शन को चूज किया है और यहाँ पे हम जैसे ही अपने माउस पॉइंटर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उस कर्सर पोजीशन पे रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और जैसे ही हम मौके okay करेंगे तो यहाँ पे टेबल प्लेस हो जाएगा नेक्स्ट हेडिंग अदर मैथड्स ऑफ इंसर्टिंग ए टेबल इंसर्टिंग टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन तो पहले तरीके का स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से ऐड करना है प्लेस द कर्सर एट द रिक्वायर्ड पोजिशन एंड क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द इंसर्ट टैप यानी कि इंसर्ट टैप पे जाएंगे टेबल बटन पे क्लिक करेंगे पहले हमें पोजीशन सेट करनी होगी कर्सर के थ्रू कि हम किस जगह पे उसको ऐड करना चाहते हैं फ्रॉम द टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन इसके बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन को चूज करेंगे जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा उसमें से इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर टेबल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन इसके बाद इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में हमें सेलेक्ट सेट करना होगा कि हमें कितने रो और कॉलम चाहिए और रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद ओके okay बटन पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट मेथड ड्राइंग ए टेबल मैनुअली हम चाहें तो टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं तो एक बार ये भी तरीका देख लेते हैं फ्रॉम द टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द ड्रॉट टेबल ऑप्शन हमें टेबल बटन से वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा और उसमें हमें चूज करना है ड्रॉट टेबल ऑप्शन को देन ड्रैग द पॉइंटर डायगोनली टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल टेबल बॉर्डर सबसे पहले डायगोनली इसको ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपने टेबल का बॉर्डर क्रिएट कर सकें देन ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स टू क्रिएट रोज एंड कॉलम्स और उसके बाद रोज और कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हॉर्जेंटल और वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करेंगे नेक्स्ट मेथड यूजिंग द क्विक टेबल्स गैलरी द स्टेप्स आर इन द टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेनू पॉइंट टू क्विक टेबल टेबल बटन के ड्रॉप डाउन मेनू में क्विक टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इट विल सो यू द क्विक टेबल गैलरी विद सम बिल्टिन टेबल स्टाइल इसमें पहले से कुछ स्टाइल्स दी होंगी जिसमें टेबल पहले से बने होंगे क्लिक ऑन एनी टेबल स्टाइल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेबल स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे द टेबल विल गेट इंसर्टेड और जैसे सलेक्ट करेंगे हमारा टेबल जो है हमारे डॉक्यूमेंट में जो है एड हो जाएगा यू कैन चेंज डेटा डिस्प्लेड इन द टेबल एज यू वुड एडिट एनी नॉर्मल टेक्स और इसके बाद जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट को एडिट करते हैं उसी तरीके से अपने टेबल में से डेटा को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज, चेंज कर लेंगे नेक्स्ट मेथड इंसर्टिंग एन एक्सल सीट इन ए डॉक्यूमेंट टू सर्व एज ए टेबल हम चाहें तो एक्सल सीट के टेबल को अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं एज ए टेबल के फॉर्म में इसके लिए क्या स्टेप है इन द टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द एक्सल स्प्रेड ऑप्शन इसके बाद हमें टेबल बटन के ड्रॉप डाउन मेनू में इस बार हमें सेलेक्ट करना है एक्सेल स्प्रेड सीट ऑप्शन को एन एक्सेल सीट विल गेट इंसर्टेड एट द कर्सर पोजिशन इसके बाद हमारी जो एक्सेल सीट है वो कर्सर पोजिशन पे ऐड हो जाएगी यू कैन इंटर डेटा इन इट एज रिक्वायर्ड और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं क्लिक एनी वेयर आउटसाइड द सीट वैन फिनिश्ड सीट विल लुक लाइक ए नॉर्मल टेबल और जब हम अपना डेटा का पूरे एंट्री वर्क कर लें तो उसके बाद माउस के कर्सर से कहीं पे भी सीट के बाहर क्लिक करेंगे जैसे ही सीट के बाहर क्लिक करेंगे वो एज ए टेबल के फॉर्म में विजुलाइज हो जाएगा टू एडिट डेटा डबल क्लिक एनी वेयर ऑन द टेबल एक्सल सेट विल अपियर अगेन टू लेट यो एडिट डेटा और अगर हमें किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं अपनी एंट्री में तो हम उस टेबल पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे फिर से हमारा एक्सल सीट का व्यू आ जाएगा और वहाँ से हम डेटा को चेंज करके दोबारा कर्सर को टेबल डॉक्यूमेंट uh, में कहीं क्लिक करेंगे बाहर और फिर से हमारा वो जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा वेन यू इंसर्ट ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट टू न्यू टैब्स अपेयर ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल्स यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड यूज द ऑप्शन इन द शॉर्टकट मैन्यू टू मैनुपलेट द टेबल अगर हम टेबल को किसी भी तरीके से मेनुपलेट करना चाहते हैं उसके ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे टेबल पे और वहाँ पे एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा जहाँ से हम यूज कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास दो नए टैब आ जाएंगे और उन टैब का यूज करके भी हम अपने डेटा को मैनुपलेट यानी चेंजेज या अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफ़िकेशन उनमें कर सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग रिसाइजिंग एंड मूविंग ए टेबल वंस ए टेबल इज इंसर्टेड यू कैन चेंज इट्स साइज एंड पोजिशन बाई यूजिंग द ड्रैगिंग एक्शन ऑफ द माउस माउस के ड्रैग ऑप्शन के थ्रू हम एक बार टेबल इंसर्ट होने के बाद उसके साइज को या उसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं द स्टेप्स टू डू दिस आर एच फॉलोज फर्स्ट पॉइंट मेक्स योर डेट द डॉक्यूमेंट इज ओपन इन द प्रिंट लेआउट व्यू सबसे पहले हमें उसे प्रिंट लेआउट व्यू में ओपन करना होगा ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल माउस पॉइंटर को टेबल के ऊपर लेके जाएंगे साइजिंग हैंडलर विल अपीयर इन द बॉटम राइट कार्नर ऑफ द टेबल टेबल के बॉटम राइट कॉर्नर में हमारा साइजिंग हैंडलर शो करेगा ड्रैग द साइजिंग हैंडलर अप डाउन और डायग्नली एज रिक्वायर टू चेंज द टेबल साइज टेबल के साइज को चेंज करने के लिए हम उसको अप डाउन या डायग्नली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब सेट कर सकते हैं to move the table drag it from the move handler that appears at the top left corner when you point to the table और इसके बाद अगर हमें move करना है अपने table को तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये move handler है top left corner में होता है इसके through हम उसको move कर सकते हैं अपने table को और ये हमारा sizing handler है इसके through हम vertically horizontally या diagonally जो है table की size को जो है अपने according change कर सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग एंट्रिंग डेटा इन ए टेबल टेबल में हम डेटा की एंट्री कैसे करेंगे आफ्टर इंसर्टिंग ए टेबल वी कैन इंटर डेटा इट इन सिंपली बाय क्लिकिंग इन द डिफरेंट सेल्स एंड टाइपिंग आउट द टेक्स्ट और नंबर्स एज रिक्वायर्ड जैसे हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है हम माउस से क्लिक करके अपने डेटा को की एंट्री कर सकते हैं ये टेक्स्ट या न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है ये हमारी चॉइस के ऊपर है या रिक्वायरमेंट के ऊपर है वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेल बाय प्रेसिंग द टैप की टू मूव टू द प्रीवियस सेल वी शुड प्रेस द शिफ्ट टैप की अगर हमें अपने टेबल के नेक्स्ट सेल में जाना है तो टैप की प्रेस करेंगे और प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट के साथ टैप की प्रेस करेंगे वी कैन सेलेक्ट डिलीट एंड एडिट डेटा इंटर्ड इन टू ए सेल लाइक एनी नॉर्मल टेक्स्ट जिस तरह से नॉर्मल टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं डिलीट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं जस्ट वैसे हम टेबल के डेटा को भी सेलेक्ट डिलीट या एडिट कर सकते हैं वाइल एंटरिंग डेटा एज वी रीच द लास्ट सेल ऑफ ए टेबल बॉटम राइट कॉर्नर सेल वी कैन प्रेस द टैप की टू एड एन एक्स्ट्रा रो अगर हम टेबल के बॉटम राइट कॉर्नर सेल पे यानी लास्ट सेल पे हैं और अगर हमको एक नया एक्स्ट्रा रो ऐड करना है तो हम लास्ट सेल पे यानी बॉटम राइट कॉर्नर सेल पे जाएंगे और टैप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं देख लेते हैं फर्स्ट सेल इन ए कॉलम अगर टेबल के फर्स्ट सेल में जाना है कॉलम के तो अल्ट के साथ पेज अप ऑप्शन को यूज करेंगे अगर कॉलम के लास्ट सेल में जाना है तो अल्ट के साथ पेज डाउन शॉर्टकट यूज करेंगे फर्स्ट सेल इन ए रो किसी रो के फर्स्ट सेल पे आना है तो अल्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे और अगर किसी रो के लास्ट सेल पे जाना है तो अल्ट के साथ इन की प्रेस करेंगे